लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। हर चीज के लिए पे करना यार, आपको ये समझना है कि अगर आप अपनी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप किसी के साथ शुरू ही इन टर्म्स पे कर रहे हो कि आप बहुत कुछ देते हो, स्पेशली कुछ पैसों से रिलेटेड, मतलब कुछ फाइनेंशियल गिफ्ट टाइप की चीजें, जैसे कि हर बार उसके खाने के लिए पे करना या फिर उसको छोटी मोटी चीजें दिलवा के देना या फिर कुछ गिफ्ट देना उसको रोज, तो उसके दिमाग में उसको ऑलरेडी पता है कि यार मेरे इसको बिना कुछ, मतलब मेरे इसको बिना छुए, मतलब वो आपको छुई भी नहीं तब भी उसको पता है कि ये मेरे को ऑलरेडी कुछ ना कुछ देता ही रहता है यार, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों ही डालूं। तो आप में से जो सिंपल लोग हैं वो मेरे को ये बताओ कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो वो क्यों एक बार भी सोचेगी नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ पैसे मांगने के लिए भी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां सारे लड़कों के साथ ऐसी होती हैं, वो सिर्फ सिंप लोगों के साथ ऐसी होती है। और हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी को कुछ गिफ्ट देना या किसी के लिए कुछ पे करना गलत है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग या कुछ लड़कियां ऐसे होते हैं या होती हैं जो आपको सिर्फ इमोशनली ही ड्रेन नहीं करेंगी, आपका जो वॉलेट है ना उसको भी ड्रेन कर देंगी। लकीली ऐसी कोई लड़की से मैं आज तक नहीं मिला, मैं जिस भी लड़की से मिला हूँ वो हमेशा ऑलमोस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, या फिर अगर नहीं भी है तो वो कभी भी मुझे उसके लिए पे नहीं करने देती। बट अगर आप थोड़ा सा और सोचो, अगर मैं थोड़ा सा और सोचूं, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं सिंप नहीं हूं। इसलिए कह रहा हूं कि सब लड़कियां ऐसी नहीं होती, बट कुछ लड़कियां सिंप लड़कों पे ऐसी बन सकती हैं। तो भाई छोड़ दो उसके खाने के लिए पैसे देना, उसकी ड्रिंक्स के लिए पैसे देना, उसकी कैब करवा के उसको देना, उसके ऑटो के पैसे देना वगैरह, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप तो फ्रेंडली हो रहे हो, आपको अंदर से पता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, या तो आपको रिलेशनशिप चाहिए उसके साथ या फिर आपको कुछ सेक्सुअल फेवर्स चाहिए उससे, और ये चीजें उसे भी पता है, बट उसे पता है कि भाई मैं कुछ दे तो रही हूं नहीं, कुछ मैं एफर्ट भी नहीं डाल रही हूं, बट मुझे ये सब मिल रहा है तो मैं क्यों रुकूं। और मैं जेन्युइन बता रहा हूं, ये लड़कियां आपस में तो बात करती हैं, बट कुछ लड़कियों ने मेरे को भी बताया हुआ है कि उनके ऐसे कुछ कुछ सिंप्स होते हैं जो बंबल वगैरह टिंडर वगैरह पे उनको मिल गए थे, जो उनपे एकदम सिंप करते रहते हैं, उनको फ्री में खाना खिलाते हैं, फ्री में ड्रिंक्स करवाते हैं। एक लड़की ने लिटरली मुझे बताया था कि वो एक लड़के से हर महीने एक या दो डेट्स पे जाती है, क्योंकि वहां वो पूरे खाने का पे करता है और क्या कहते हैं ड्रिंक्स का पे करता है, और वो बचा हुआ खाना अपने फ्लैटमेट के लिए भी ले आती थी। तो ये उसने मेरे को बताया था। अब ये उसने मेरे को क्यों बताया, क्योंकि मेरे साथ उसने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं सिंप नहीं था, बल्कि फर्स्ट डेट पे उसने पैसे दिए थे डेट के, और आई थिंक वो लड़की टाइम पे वीडियो देख रही होगी। तो पॉइंट ये है कि यार अगर आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, ना आप रिलेशनशिप में आ पा रहे हो उसके साथ, और वो आपको फ्रेंड जोन कर रही है वगैरह वगैरह, और आप तब भी उसके लिए पैसे दिए जा रहे हो, तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।